हेलो स्टूडेंट्स सो आज जो हम चैप्टर डील करने जा रहे हैं वो है चैप्टर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ठीक है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर क्लास ट्वेल्थ सी वाला जो uh, हमने स्टार्ट किया है उसमें ये हमारा सेकेंड चैप्टर है अब इसमें मैं फिर एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही इस चैप्टर में मैं आपको uh, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सी बी के लिए याद रखना सीबीएसई बी ट्वेल्थ के लिए जीरो फोर टू दैट इज फिजिक्स सब्जेक्ट कोड के लिए आएगा ठीक है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसे शेयर करो और बहुत अच्छा लगा मुझे जे मैंने आज मॉर्निंग में इसे पब्लिश किया इसका चैप्टर वन और मेरे पास थ्री हंड्रेड प्लस व्यू आ गए तो थैंक यू बच्चों और कीप शेयरिंग इट तो स्टार्ट करते हैं आज जो पहला है हमारा टाइप टाइप 2.1 सेम तरीका है मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन इसमें नहीं दूंगा क्योंकि उसके लिए आप अगर आपको थोड़ा सा समझना है कि ये टाइप क्या है ये सारी चीज़ें तो आप इसका चैप्टर वन देख लो वहाँ पे थोड़ा सा मैंने बड़ा वीडियो बनाया यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कवर करेंगे तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा टू चार्ज दिया हुआ है ठीक है फाइव इंटू टेन पर माइनस एट माइनस थ्री इंटू टेन पर माइनस एट आर लोकेटेडीन सेंटीमीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो ओके आपने डेरिवेशन भी किया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ठीक है यहां पर क्वेश्चन ये है कि मान लिया मेरे पास आ, दो पॉइंट है लेट सपोज दिस इज ई एंड लेट सपोज दिस इज बी और ये इसका मान लिया मेरे पास एक पॉइंट हो जाए ओ यहां पर एक चार्ज रखा है क्यू वन यहां पर एक चार्ज रखा है क्यू टू और क्या दिया हुआ है दोनों के बीच का डिस्टेंस सिक्सटीन सेंटीमीटर सिक्सटीन सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया वन सिक्स ठीक है मीटर अब यह चीज याद रखना गिवन डाटा सेम करना है क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है ठीक है तो यहां पर माना कि ये जो पोजीशन है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा वो मान लिया हो ठीक तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पॉइंट वन सिक्स माइनस एक्स ऑबिय बात है टोटल ए भी दे रखा है पॉइंट वन सिक्स तो ये अगर एक्स है तो ये पॉइंट वन सिक्स माइनस एक्स हो जाएगा ठीक है अब क्वेश्चन में क्लियरली दिया है कि ये वो पॉइंट है ओ इज द पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो का मतलब है कि पोटेंशियल ड्यू टू एंड पोटेंशियल ड्यू टू बी ठीक है दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो बस डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो आप ये हो जाएगा वन बाई फोर पाई एफ साइल नॉट क्यू वन बाई एक्स इसके वजह से ए वाले की वजह से ठीक है और आ, प्लस वन बाई फोर पाई एफ साइल नॉट क्यू टू बाई पॉइंट वन सिक्स माइनस एक्स ठीक है एंड दिस इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मैं बहुत ज़्यादा सॉल्विंग में नहीं जा रहा हूँ मैंने आपसे पहले वीडियो में भी बताया था कि हम यहाँ पे ट्राई करें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन का अब यहाँ पर आप क्यू वन की वैल्यू पुट करो और क्यू टू की वैल्यू पुट करो और वन बाई फोर पाई एफ साइल एंड नॉट जो वैल्यू होती है ये के होती है और के वैल्यू होती है नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन क्यू वन की जगह आप लिख दो फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस एट जो कि गिवन है माइनस थ्री इंटू टेन टू दावर माइनस एट क्योंकि पोटेंशियल वेक्टर है स्केलर uh, क्वांटिटी है तो माइनस का एज इट इज माइनस आ जाएगा पॉइंट वन सिक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगा जिसको आप देखो यहाँ से अब एक्स निकालना है तो आई होप कि आपको आता है ये नाइन पॉइंट नाइन इंटू टेन पॉइंट नाइन इधर जाएगा जीरो और आपका यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो पॉइंट वन ज़ीरो मीटर और ठीक है टेन सेंटीमीटर विल बी दी एंसर यानी कि कहां पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है टेन सेंटीमीटर पे अगला है टेक दी पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी जीरो ठीक है आ, इसका मतलब यहाँ पे अच्छा ये जो लाइन है इसका मैं आपको एक बार बता देता हूं कि इस लाइन का मतलब क्या होता है ये ये बता रहा है जब भी हम पोटेंशियल नापते हैं आपको पता है एक टेस्ट चार्ज लाना होता है तो यहां मान लिया मैंने टेस्ट चार्ज लाया कहाँ से कहाँ तक तो इन्फिनिटी से लाया ठीक है क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब भी पोटेंशियल निकालना हमें वर्कडन वाला कॉन्सेप्ट से चलना पड़ता है और उसके लिए जब आप डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू भी निकालते हो तो इन्फिनिटी पे जो आपका पोटेंशियल होता है वो जीरो हो जाता है तो इसीलिए ये लाइन दिया जाता है ठीक है तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा तो एंसर इज टेन सेंटीमीटर इसको आप एक और मेथड है जिससे आप कर सकते हो जिसमें आप क्या कर सकते हो इस वाले पॉइंट को आप पॉइंट वन सिक्स माइनस एक्स ले लो और इसको आप ले लो एक्स और सेम प्रोसेस करोगे देखो क्योंकि इन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया ना कि ए से ओ का क्या है और उससे बी का क्या है तो आप चाहो तो यहां से जब इसे सॉल्व करोगे इस वाले मेथड से तो यहां पर एक्स की वैल्यू फोर्टी सेंटीमीटर बट आपको दोनों नहीं दिखाना कोई एक दिखा दो मोर देन है ठीक है तो लेट्स गो ऑन एनदर क्वेश्चन तो आप देखो 2.1 के बाद हमने 2.2 लिया याद रखना ऐसा नहीं है कि हम सीरीज में लगा रहे हैं जैसे बीच बीच में हम कुछ क्वेश्चन स्किप करेंगे क्योंकि हम यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से सिर्फ डील कर रहे हैं तो ज्यादा नहीं और बॉक्स एट टू टेन न्यूमेरिकल्स मैंने लिस्ट किया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे आप देखोगे और इसे जरूर हंड्रेड परसेंट सोल्व करके जाना है सॉल्व नहीं कर सकते या सॉल्व अगर आपको लगता है तो आप पूरा वीडियो वॉच करो और वीडियो वॉच करते समय आप कॉपी और पेन भी साथ में ले लो ठीक है तो ये वाले क्वेश्चन में आप देखो और रेगुलर एक्सागन ऑफ साइड टेन सेंटीमीटर है चार्ज फाइव माइक्रोकुलट इच ऑफ दर्टिज यानी रेगुलर एक्सागन है ये रहा हमने एक रेगुलर एक्सागन बना लिया ठीक है मान लिया ये थोड़ा सा रफ डायग्राम है आप इसे सही कर लेना ठीक ये आपका ये कनेक्टिंग पॉइंट होगा दिस इज दिस कनेक्टिंग पॉइंट दिस विल बी दिसकनेक्टिंग पॉइंट और ये हमारा सेंटर हो गया ओ क्या क्या दिया है फाइव माइक्रोकुल ईच वर्टेक्स पे देखो यहाँ भी फाइव माइक्रोकुल यहाँ भी फाइव यहाँ भी फाइव तो मैं एक जगह लिख देता हूँ वही हर जगह हो जाएगा फाइव माइक्रोकुल ठीक है यहाँ भी 5 माइक्रो कूलम यहां पे 5 माइक्रो कूलम और यहाँ भी 5 माइक्रो कूलम ठीक अब यहाँ पे क्वेश्चन किया क्या दिया है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है आपको पता है पोटेंशियल अलजेब्रिकली सम होता है अब यहाँ पर बहुत क्लियर सी बात है सबसे पहले तो हम कन्वर्जन देख लेंगे तो गिवन डाटा जो हम लिखते हैं आपको पता होगा 5 माइक्रो यानी 5 10 -6 कूलम दूसरा जो रेडियस है वो टेन सेंटीमीटर यानी जो डिस्टेंस है सेंटर से टेन टेन को हम क्या लिख लेते हैं पॉइंट वन याद रखना कन्वर्जन पे हाफ मार्क है इतना आप कर दोगे हाफ मार्क जनरली देता है अगर ये थ्री मार्क्स के क्वेश्चन में आता है तो और गिवन डाटा और क्या यू हैव टू कैलकुलेट ठीक है अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो पोटेंशियल ही पूछा है तो पोटेंशियल निकालने के लिए कहाँ पे पूछा है पोटेंशियल एट ओ पे पूछा है तो वट विल बी वी तो ये देखो कितने यहां से आप देखो वी विल बीक्वल टू सिक्स के मीन्स नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन और q मीन्स फाइव इंटू टेन टू दि पावर माइनस सिक्स और r मीन्स जीरो पॉइंट वन जीरो ठीक है इसको आप सॉल्व करोगे तो टू पॉइंट सेवन इन टू टेन टू दी पावर सिक्स वोल्ट सिंस मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन लेना है तो इसलिए मैं कैलकुलेशन पार्ट आपको नहीं दिखा रहा हूँ कैलकुलेशन आप कर सकते हो बाई मल्टीप्लाइंग एंड सॉल्विंग इट फर्दर ठीक है तो आई होप क्लियर हो गया होगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला देखो मैंने 2.3 भी इंक्लूड किया हूं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है जहां पे स्किप करना होगा मैं आपको बता दूंगा ठीक है ये सारे करने इंपॉर्टेंट है जितने हम यहां डिस्कस करें वो हंड्रेड परसेंट आपको लगाने हैं तो देखो टू पॉइंट थ्री वाले ऑप्शन में पहला क्वेश्चन है कि टू चार्ज टू कूलम माइनस टू माइक्रा प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी सिक्स सेंटीमीटर अपार्ट आइडेंटिफाई इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल सर्फेस देखो ये भी एक टाइप है यानी क्वेश्चन अब ये देखो ये वन और टू मार्क्स में भी आ जाता है ठीक है क्योंकि ये थियोरी पार्ट के साथ इंक्लूड करके आएगा यानी दो मार्क्स में तो आपको बोल देगा कि इस स्पियर के जैसा आप थियोरी पार्ट देखो जो हमारा ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस इसका जो थियरी पार्ट हमने डिस्कस किया वहां देखो उसमें मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है कि कैसे हम क्यू पोटेंशियल सर्फेस बनाते ये थोड़ा न्यूमेरिकल अप्रोच है तो इसे हम देख लेते हैं मैं थियरी में ज्यादा टाइम नहीं ले रहा है यहाँ पे थियोरी के लिए आप वो वाला वीडियो देख सकते हो तो यहाँ पर टू चार्ज है और ए एंड बी है अच्छा एक यानी कि हमारे पास फिगर है गिवन है ये रहा हमारे पास फिगर और इन्होंने ऐसे दे रखा है दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी दिस इज पॉजिटिव टू माइक्रोकुलम दिस इज माइनस टू माइक्रोकुलम दूसरी बात जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, और ये हमारा ओ है अब पूछा क्या है आइडेंटिफाई इक्वल सरफेस तो आप देखो ए और बी का आप कोई भी पोर्शन उठाते हो ये सारा आपको याद है मैंने आपको वहां पर बनाया था एक दो तीन ये सारे के पोटेंशियल है बस अत्य जो आपकी फील्ड लाइन हो वो क्या हो नॉर्मल निकले तो यहां पर आप इसे ऐसे शो कर सकते हो कि दिस इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस ठीक है और अगला क्वेश्चन इसमें था थियरी अप्रोच है, है थोड़ा ध्यान देना अगला व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट तो मैंने बताया हमेशा क्या होता है नॉर्मल होता है ये तो हमारा थियरी है तो आप देखो इस हमारा ये हमने लिया है पोटेंशियल तो इसका जो नॉर्मल होगा ये देखिए ठीक है, है? परपेंडिकुलर फ्लो यही हमारा फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा तो इजी क्वेश्चन था थेटिकल था इसका अप्रोच आगे चलते हैं अगला देखो फोर्थ क्वेश्चन हमने स्किप किया है फोर्थ की जगह हम इंक्लूड करें यहां पे फिफ्थ क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूं जैसे जो सीरीज में मैं कर रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाइड एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे ही वीडियो बना दिया है क्योंकि बाय प्रोफेशन में टीचर हूं और आप इंट्रोडक्शन पार्ट में देख सकते हो तो यू कैन ट्रस्ट क्योंकि कहीं भी आप अगर ट्रस्ट करोगे तभी आप कोई भी कॉन्फिडेंस या कोई भी आप अचीवमेंट कर पाओगे ठीक है तो यहां पर क्वेश्चन देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखो ये टाइप बन गया अलग टाइप आ गया िकल ऑन पैरल प्लेट कैपेसिटर ठीक है यहाँ लिख देता हूं मैं न्यूमेरिकल ऑन पैरल प्लेट कैपेसिटर है ये अब क्वेश्चन अच्छा पैरल प्लेट कैपेसिटर नाम आते ही हम फॉर्मूला लिख लेते हैं फॉर्मूला हमारा पैरल प्लेट का क्या होता है बाई डी अब स्टार्ट करते हैं पैरल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें एयर है बिटवीन द प्लेट हैजपेसिटेंस ऑफ एट पी को फराडे याद है थियरी मैंने बताया था फराडे बहुत बड़ी यूनिट है आपको छोटे लेवल पर ही आएगी और एट पिको फराडे अच्छा ये दे भी रखे हैं पिको का यानी आपको फिर भी आप याद कर लो टेन टू दॉर माइनस ट्वेल्व फराडे वट विल बी दिटेंस इफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज रिड्यूस बाई हाफ एंड स्पेस बिटवीन दैम इज फिल्ड विद सब्सटेंस ऑफ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट सिक्स देखो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए हाफ या डबल इसमें एक तरीका होता है सबसे पहले आप सी इनिशियल क्योंकि ये फोर्सेस में भी पूछते हैं फील्ड में भी पूछते हैं कि चार्ज डबल कर दिया रेडियस आधा कर दिया तो क्या असर है सबसे पहले आप ये स्टेप फॉलो करो स्टेप सी इनिशियल लिख लो तो सी इनिशियल क्या होना चाहिए एपसाइल एन नॉट ए बाई डी ठीक है और इसकी वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है एट पी को फराडे अगला केस सी फाइनल देखो अब सी फाइनल में एपसाइल एन नॉट के जो टर्म में के आ जाएगा क्यों क्योंकि यहां पर आप देखो स्पेस को अपने सबटेंस जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है सिक्स है यानी कि सिक्स नॉट हो गया और दूसरी चीज एरिया एरिया इन्होंने क्या किया है व्हाट विल बी देखो डिस्टेंस बिटवीन और देखो डिस्टेंस तो हाफ और स्पेस यानी एरिया सेम है सिर्फ डिस्टेंस क्या हो जा रहा है डिस्टेंस हो जा रहा है डी बाई टू ठीक है अब बस इसे आप इक्वेशन वन ले लो और इसे आप इक्वेशन टू ले लो याद रखना ये हर सारे में जहां भी ऐसा डबल और ऐसा है तो वहां पे आपको करना है इस स्टेज के बाद आप क्या करो इक्वेशन टू डिवाइडेड बाय इक्वेशन वन याद रखना फाइनल निकालना होता है इन टर्म्स ऑफ इनिशियल तो इक्वेशन टू बाय वन आप करोगे तो ये हो जाएगा एल एच एस सी फाइनल बाई सी इनिशियल और आप देखो इसे जो आप सॉल्व करते हो सारा कैंसिल हो जाएगा देखो this divided by this this gives you 12 times of epsilon not a by d theek hai ठीक है लेकिन आप देखो आ, पर epsilon पर a by jo d hai epsilon जो a है d साइल एंड नॉट ए और नीचे भी आपके पास एफ साइल एंड नॉट ए बाई डी ठीक है तो ये सारी चीजें कैंसिल हो गई ये आ गया आपका सी एफ बाई सी आई ट्वेल्व तो सी फाइनल क्या हो जाएगा सी फाइनल हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ सी इनिशियल और सी इनिशियल कितना हो गया सी इनिशियल दिया हुआ एट पी को फराडे तो एट पी को फराडे से आप मल्टीप्लाई कर दो एन एंसर बिथविने तो दिस इज दें ठीक है तो नेक्स्ट पे चलते हैं तो आप देखो ये स्टेप जरूर फॉलो करना स्टेप वन स्टेप टू फिर डिवाइड कर दो दिस इज स्टेप थ्री और उसके बाद सॉल्व कर लेना ये याद रखना रिमेंबर इट ठीक है कई बार हम ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसी में कुछ लोग वैल्यू पुट करते हैं कई बार गलत हो जाता है तो ऑलवेज रिमेम्बर डिस्ट्रिक्ट तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो 2.5 के बाद 2.6 है ये थ्री कैपेसिटर इच ऑफ कनेक्टेड इन सीरीज यानी यहां मैंने लिख दिया टाइप याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट टाइप्स है इसमें ये टाइप होता है कॉम्बिनेशन का और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में दो क्वेश्चन है सीरीज और पैरेलल के तो हम दोनों से डील करेंगे सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि ये क्या बोला ये सीरीज़ का क्वेश्चन है और सीरीज में आपको फॉर्मूला मालूम होगा रे, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है वन बाय सी वन प्लस वन बाई सी टू ठीक है ये वाला फॉर्मूला आता है सीरीज का पैरेलल होता है सीधा जोड़ देता तो बोला है कि थ्री कैपेसिटर है नाइन पिको फराडे का सीरीज में सबसे पहले तो हम इसमें इक्विवेलेंट -E निकाल लेते हैं सी इक्वेलेंट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला है तो यहाँ पर गिवन डाटा सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे गिवन डाटा सी वन हो गया नाइन पी को फराडे सी टू भी हो गया नाइन पी को फराडे और सी थ्री भी हो गया आपका नाइन पी को फराडे क्योंकि थ्री कैपेसिटर है व्हाट इज दोटल टोटल टोटल मतलब वन बाई सी इक्वेलेंट इक्वल टू वन बाई सी वन यानी वन बाई नाइन प्लस वन बाई नाइन प्लस वन बाई नाइन और यूनिट क्या होगा पी को फराडे ठीक है ये दिस विल गिव यू थ्री बाई नाइन का मतलब हो गया ये वन पॉइंट वन बाई थ्री पी को फराडे इसका मतलब सिक्वेलेंट यहां से आ गया थ्री पी को फराडे इज इट क्लियर तो हमारा पहला आंसर सॉल्व हो गया अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं इसका एक और पार्ट है वो भी देख लेते हैं अगला पार्ट है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर नेशन इज कनेक्टेड टू वन ट्वेंटी वोल्ट सप्लाई यहां पर एक चीज आपको याद रखना सीरीज कनेक्शन में यहां साइड लिख देता हूं सीरीज में जो करेंट होता है या चार्ज होता है वो सेम होता है और जो पोटेंशियल होता है वो इक्वल टू ड्रॉप अगेंस्ट ऑल द रिस्पेक्टिव जो भी एलिमेंट हो ठीक है तो यहां पर आप देखो यहां पर नेट दिया है वी टोटल दे रखा है तो वी टोटल हो जाएगा वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री और याद है फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी वी ठीक है अगर चार्ज भी पूछ सकता था यहां पे बट यहां पर चार्ज का कोई क्वेश्चन नहीं हम यहां वी वन वी टू वी थ्री की बातें कर रहे हैं अब यहां पर आप देखो जितना अब Q इज इक्वल टू सी वी डिपेंड कर रहा है और यहां Q सेम है Q सेम है C सेम है ठीक है इसका मतलब सारी जो वैल्यूज है वी वन को मैं क्या लिख सकता हूं v ही लिख सकता हूं v2 को क्या लिख सकता हूं v लिख सकता हूं v3 को क्या लिख सकता हूं v लिख सकता हूं ये हो जाएगा थ्री वी तो हमारा जो v टोटल हो जाएगा ठीक है टोटल जो हमारा v हो जाएगा वो हो जाएगा थ्री वी ऑफ अच्छा ये देखो थ्री ऑफ वन ही कर देते हैं क्योंकि टू वी वन वन तो कोई एक का निकाल दो वही सबके बराबर होगा तो वन विल बी इक्वल टू वी टोटल वी टोटल कितना दिया वन बाई वन ट्वेंटी डिवाइडेड बाई थ्री दिस गिव्स यू फोर्टी वोल्ट तो यहां से आपका आ गया कि जितना आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप है ठीक है सिंस ये सबका इक्वल कैपेसिटेंस है तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा चार्ज ऑलरेडी सेम है ही है क्यूज टू सीवी में तो वी वन इजक्वल टू वी थ्रू इज टू वी थ्री विल भी इक्वल टू फोर्टी वोल्ट ठीक है तो नेक्स्ट पे चलते हैं और याद रखना इसको साथ में करते रहो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अगला क्वेश्चन देखो थ्री कैपेसिटर आर कनेक्टेड पैरेलल तो ये कौन सा टाइप है अभी बताया था इसे भी हम किस टॉपिक के अंदर रखेंगे इसे रखेंगे कॉम्बिनेशन में तो हमने इससे पहले वाले में सीरीज डिस्कस किया था पैरेलल का फॉर्मूला इजी होता है सी इक्वेलेंट सी वन प्लस सी टू प्लस डैश 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 मतलब सी एन तक चला जाएगा और दूसरी चीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है आपको पता होगा तो स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो सॉल्यूशन में गिवन डाटा देख लेते हैं एक बार गिवन क्या क्या हमारे पास तो गिवन थ्री कैपेसिटर है टू पी को तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सी वन टू पी को फराडे सी टू मैं हर क्वेश्चन में गिवन नहीं लिख रहा हूँ ये छोटे क्वेश्चन है तो यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस भी हमारे पास कम है लेकिन आप मैं जिसमें गिवन नहीं लिखा उसमें भी आपको गिवन लिखना है क्योंकि गिवन सीबीएसई में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप गिवन नहीं लिखते हो आपके मार्क्स भी डिडक्ट होने के चांसेस होते हैं ठीक है अच्छा C इज इक्वल टू अब यहां पर पूछा है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस तो क्या हो जाएगा C इक्वेलेंस सबको जोड़ दो तो टू प्लस थ्री प्लस ये कितना है फोर है सी थ्री फोर पी को फराडे दिस गिव्स यू फ्राडे हो गया आंसर इजी था नाइन पी को फ्राडे आंसर आ गया अगला देख लेते हैं अगला पार्ट अगला पार्ट पूछा है कि डिटरमाइन चार्ज वहां याद करो वोल्टेज पूछा था यहाँ चार्ज चार्ज का भी यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं क्यू इज इक्वल टू सी वी ठीक है अब यहाँ चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो क्यू वन निकाल लेंगे क्यू वन हो जाएगा सी वन वी क्यू टू हो जाएगा सी टू वी क्यों वी ले रहे हैं पहले ही बता दिया सीरीज में पैरल में क्या होता है वोल्टेज सारा सेम होता है इसीलिए हमने यहाँ पर सी वन वी सी टू वी सी थ्री वी लिखा अब सी वन आपके पास है टू पी को फराड इन टू में आप हंड्रेड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा अच्छा एक चीज और आपने हंड्रेड को किस में लिया वोल्ट में लिया और यहां पर पी को है तो इसको आप पूरा ही सॉल्व कर दो इसे आप लिख लो टू इंटू टेन टू दावर माइनस ट्वेल्व इंटू हंड्रेड फिर आंसर लिखना तो ये हो गया टू इंटू टेन टू दावर माइनस टेन कुलम सिमिलरली आप यहाँ भी वैल्यू पुट करोगे थ्री इंटू टेन टू दावर माइनस टेन कुलम और ये हो जाएगा फोर इंटू टेन टू दावर माइनस टेन कुलम इस तरीके से हम इसको डिटरमाइन कर लेते हैं तो अच्छा क्वेश्चन है और नोट कर लेना इसको साथ में सॉल्व करते रहो पॉज करके अगला टाइप हमारे पास आ गया और ट्वेल्थ पीको कैपेसिटर आप देखो इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप किया है स्किप का मतलब ये नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ बोर्ड के लिए अगर आप जा रहे हो और फाइनल प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वाले क्वेश्चन जरूर देख लेना क्योंकि पिछले दस साल से दस साल का जो पेपर हमने देखा उसके बेस पे बना रहा हूं और फिर कह रहा हूं इस गाइडेंस को अच्छे से लेना और एक बार आप जब देखोगे कि आप सक्सेस आओगे तो रिव्यू जरूर लिखना और अभी भी आप कमेंट करना मत भूलना सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे होगे शेयर करो और कमेंट करो कमेंट करोगे तो उससे मुझे क्लियर होगा कि आपको कौन से टॉपिक में डाउट है और कौन कौन से आपको न्यूमेरिकल्स आपको और चाहिए कौन से चैप्टर का मैं पहले कर दू ठीक है अब अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन में मैं सीधा देख रहा हूं इलेक्ट्रोस्टेटिक एनर्जी यानी ये अलग टाइप बना लिया टाइप क्या पूछा है एनर्जी की बात पूछी हुई है ठीक है अब एनर्जी का मतलब अब यहां ये देखो ये वन ऑर्ट वन प्लस टू में पूछा जा सकता है थियरी के साथ याद है एनर्जी स्टोर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का डेरिवेशन और उसके साइड में हमें न्यूमेरिकल दे देगा छोटे क्वेश्चंस होते हैं ये लेकिन आप थ्री मार्क्स के क्वेश्चन में टोटल थ्री भी पाना टारगेट है उसके लिए आपको ये क्वेश्चन वन मार्क का भी करना होगा तो देखो पूछा है एनर्जी सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं एनर्जी होता है हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर अब यहां पर स्क्वायर देखते हैं गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या है गिवन हमारे पास है सी की वैल्यू दे रखी है चलो जी ठीक है और क्या दे रखा है हमारे पास वोल्टेज दे रखा है फिफ्टी वोल्ट तो ईजी है इसी से आप कर सकते हैं सीधा फॉर्मूला है हाफ ट्वेल्व इन वी कितना आप ध्यान दो अच्छा ट्वेल्व पीको फ़राडे पिको पीको का मतलब टेन टू पावर माइनस ट्वेल्व और वोल्टेज फिफ्टी है तो फिफ्टी का स्क्वायर इसे आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस एट जूल ठीक है याद रखना ये डेरिवेशन के साथ आएगा यानी एनर्जी स्टोर का आपको पूछ लेगा डेरिवेशन और उसके नीचे ये साइड में एक क्वेश्चन रहेगा ठीक है चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अगले पे अगला क्वेश्चन देखिए हमारा अगला हमारा टू पॉइंट वन टू हमने किया है और ये क्वेश्चन है ठीक है है कैलकुलेट वर्क डन याद हमने इससे पहले वाले चैप्टर में ऐसे पॉइंट के इलेक्ट्रिक डाइपोल के किए थे यहां देख लेते हैं डायपोल है या नहीं है कैलकुलेट वर्क डन इन टेकिंग ए स्मॉल चार्ज फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू वाया पॉइंट आर ओके ओके यानी ये डायपोल की बात नहीं है यहां तो यहां तो कुछ ऐसे हुआ है कि ये हमारे पास एक पॉइंट है और ये हमारे पास एक पॉइंट है ठीक है और मान लिया ये 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 पॉइंट मेरा A है, ये पॉइंट पॉइंट मेरा है है, तो सीधा ना लाके किसी दूसरे पॉइंट के थ्रू लाया गया है और ये जो ए पॉइंट है इसका ए मीन्स यहां पर क्या है पी दिया हुआ है तो नेम नहीं चेंज करेंगे और क्यू और किसके थ्रू लाया गया आर के थ्रू लाया गया ठीक है तो एक मिनट इसको मैं रिड्रॉ कर देता हूं ठीक है ताकि आपका नेमिंग क्लियर हो जाए अब देखो यानी ये मेरे पास एक चार्ज था पी पोजीशन ये मेरे पास क्यू था सीधा ला सकते थे लेकिन सीधा ना लाके ये किसी अगले पॉइंट से ये आर पॉइंट से लेके आए पी हमारा है जीरो कॉमा जीरो कॉमा थ्री तो एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना रहा मैं इसमें वैसे तो आप ग्राफ के साथ भी चल सकते हो लेकिन ग्राफ की जरूरत नहीं है आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो मार्क्स नहीं डिडक्ट होगा सेंटीमीटर ये सारी यूनिट्स ठीक है और पी की वैल्यू दे ही रखी है क्यू की वैल्यू चार्ज की दे ही रखी है ओके अब पूछा इसमें है कि आ, चार्ज ऑफ एट माइक्रो एट माइक्रो इज लोकेटेड एट दी लोकेट ओरिजिन ओके ओके ओके, ओके मीन्स इसमें हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा चलो इसको ग्राफ में बना देता हूँ सबसे पहले तो इसमें हम एक ओरिजिन बना लें ठीक है ये देखिए क्योंकि हमारे पास ये एक पॉइंट हो गया ये देखो ये बन गया ये हमारा वाई हो गया ये हमारा जेड हो गया ठीक है और ये हमारा सेंटर हो गया सेंटर पे हमारे पास टू माइक्रोकुलम है और इधर हमने ले लिया एक्स ठीक है हो गया देखो फिगर में सिंस ओरिजिन पे तो इसलिए हमें ग्राफ भी बनाना पड़ा अदरवाइज हम वैसे ट्राई कर लेते अब सीधा सा क्वेश्चन है वर्कडन निकालो वर्कडन क्या होता है तो वर्कडन ऑब्वियस बात है जितना यहां से यहां वर्कडन करना पड़ेगा ठीक है और जितना आपको पी पे वर्कडन करना पड़ेगा दैट इज वर्कडन यानी कि सबसे पहले वर्कडन का बेसिक फॉर्मूला लिख लेते हैं वर्कडन याद है पोटेंशियल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज टेस्ट चार्ज जो आप मूव कर रहे हो तो वर्क डन क्या हो जाएगा वर्क डन हो जाएगा पोटेंशियल इनटू में चार्ज अब यहां पर जो आपका नेट पोटेंशियल है किसकी किसकी वजह से है पी और क्यू की वजह से है और पी आपका देखो अगर हम अपने पॉइंट्स ध्यान दें तो लिखा हुआ है टेकिंग ए स्मॉल चार्ज माइनस ठीक है एक ओरिजिन पे और फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू इसका मतलब तो क्लियर सा फंडा है कि आपका जो यहाँ पर वर्क है वो किसके अलोंग चलेगा तो टेस्ट चार्ज के पोटेंशियल एट क्यू माइनस पोटेंशियल एट पी एंड अभी देखो हमने पोटेंशियल का न्यूमेरिकल लगाया था तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए आप सीधा इसे लिख लो और जो हमारा ये कितना है ये पोजिशन हमारा है फोर देखो ये क्यू के साथ कितना दे रखा है फोर सेंटीमीटर देखो यहाँ पे और इसके साथ कितना दे रखा है ये वाला पोजीशन थ्री सेंटीमीटर तो लिख लेते हैं तो Q इंटू में फोर फोर को हम क्या लिख सकते हैं तो फोर को देखो सेंटीमीटर है मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसे हमने बना दिया चाहे आप चलो ऐसे लिख लो फोर इंटू टेन टू दावर माइनस टू लिख लो ठीक है माइनस क्यू बाई फोर पाई एफ साइल नॉट और वहां कितना था थ्री है देखो ये वाला पोजीशन पी का तो इसे मैंने लिख लिया थ्री इंटू टेन टू दावर माइनस टू ठीक है अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा वर्क डन क्यू नॉट जो हम ले जा रहे हैं वैल्यू ले जा रहे हैं आपका जो पोटेंशियल यहां पर गिवन है क्यू नॉट के रिस्पेक्ट uh, में करना है तो हमारा क्यू नॉट जो आप ले जा रहे हो दैट इज स्मॉल चार्ज की वैल्यू क्या है स्मॉल चार्ज की वैल्यू माइनस टू इंटू टेन टू दावर माइनस नाइन इंटू मे ठीक है ये वन बाई फोर पा एपल एन नॉट भी आप इसमें कॉमन कर सकते हो तो ये हो जाएगा नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन ठीक है और आप देखो यहाँ Q भी कॉमन कर सकते हो तो Q यहां पर एट है यानी कि एट इंटू टेन टू दि पावर माइनस थ्री अब ब्रैकेट में क्या बच गया तो ब्रैकेट में बच गया वन बाई फोर इंटू टेन टू दावर माइनस टू और माइनस वन बाई थ्री इंटू टेन टू दावर माइनस टू बाकी सब तो आपने ले ही लिया है ठीक है पहले से तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स 1.9 1.194 जूल के करीब आएगा आप इसे चाहो तो राउंड ऑफ कर दो चाहो तो ऐसे लिख दो हेंस योर वर्क डन विल बी पॉइंट वन पॉइंट वन नाइन फोर जूल ठीक है तो आई होप इट्स क्लियर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आगे चलते हैं अगला देख लेते हैं एक बार अगला क्वेश्चन है कि एक क्यूब ऑफ साइड बी एस ऑन इट्स डिटरमाइन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पोटेंशियल फील्ड दोनों पूछा है तो इसमें हम टाइप बनाते हैं न्यूमेरिकल ऑन पोटेंशियल एंड फील्ड अच्छा ये जो टाइप बनाते हैं इससे अब देखो इस टाइप पे आप चाहे हो सकता है वैल्यू चेंज कर दे या हो सकता है ऐसा ही दूसरा कोई क्वेश्चन पूछ दे तो आप एक अगर कर लेते हो ठीक है तो सारे ही हो जाएंगे इसीलिए टाइप लिख लिया करो और ये लास्ट डे रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अब ये क्वेश्चन देखते हैं डिटरमाइन पोटेंशियल ड्यू टू डिस्चार्ज अरे अरे एट सेंटर ऑफ क्यूब अच्छा प्लेस एट सेंटर ऑफ क्यूब एक्चुअली अरेंज लिख दो या अरे लिख दो एट सेंटर ऑफ द क्यूब तो क्यूब के सेंटर पे सबसे पहले तो मैं रेफ फिगर बना लेता हूं ये मेरे पास एक क्यूब है और बात हमारी सेंटर की हो रही है और सारे साइड क्या हो रहे हैं बी हो रहे हैं और चार्ज जो है क्यू सारे वर्टिसेस पे रखा गया है ठीक है तो अब क्वेश्चन है हमारा पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस सेंटर यानी सेंटर में अब देखो ध्यान दो जरा वर्टिसेस पे रखे हुए हैं देखो वर्टिस ये तो कर, चलो कॉर्नर्स हो गए देखो ये सारे कॉर्नर्स है और ये वर्टिसेस में प्लेस है हमारे पास चार्ज अब फॉर्मूले में अगर हम फॉर्मूला देखें जनरल अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला वोल्टेज का होता है पोटेंशियल का क्यू बाई फोर पाई एफ साइल एन नॉट आर सबसे पहले तार तो आर निकाल लेते हैं तो वर्टिसेस और सेंटर का जब हम आर निकालेंगे तो वो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो डिस्टेंस हो जाएगा लॉन्गेस्ट डायगोनल का आधा लॉन्गेस्ट जो डायगोनल बनेगा उसका क्या करना होगा आधा अब मैं आप ध्यान दो अगर आप ध्यान दो लॉन्गेस्ट डायगोनल की बात करें हम ठीक तो लॉन्गेस्ट डायगोनल आप निकाल सकते हो साइड का स्क्वायर कितने साइड है तीन हमारे पास देखो एक वन टू तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज रूट थ्री बी हो गया लेकिन जो आर की वैल्यू हो जाएगी वो रूट थ्री बी बाई टू हो जाएगी ये तो आर निकल गया अब जरा यहां पे हम ध्यान देते हैं कि बोला है वर्टिसेस का सेंटर से तो अगर हम पूरा लेते तो पूरा तो हमारे पास रूट थ्री भी आता लेकिन सिंस ये सेंटर पे रखा है तो ये रूट थ्री बी बाई टू कर दिए हमने अब हमारे पास पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल तो जनरल ये फॉर्मूला होता है लेकिन सेंटर ऑफ क्यूब में अब वर्टिस के टर्म्स में कितना हो जाएगा तो या ये फॉर्मूला आप लिख लो साइड में आप चाहो तो लिख लो ठीक है और क्यूब का एक और फॉर्मूला हमने फ्लक्स का भी लिखा था वो भी लिख लेना पिछले चैप्टर में जो मैंने लिखा था तो जब भी वोटिस में ऐसा सिचुएशन आए तो ये टाइम्स ऑफ पोटेंशियल हो जाएगा ठीक है तो एट इन टू में पोटेंशियल का जनरल ये फॉर्मूला है क्यू बाई फोर पाई एफ आई लॉट आर और बाकी चीजें अब आपको पता है क्यू कितना आपके पास है तो क्यू आपके पास देखो ये एक तरीके का डेरिवेशन है तो क्यू को आपको क्यू ही लेके चलना है ठीक है और दूसरी चीज आपके पास जो वैल्यूज है इसके अंदर वो है q को q लिख दिए फोर पाई एफ साइल नॉट आर की वैल्यू कितनी आई r की वैल्यू रूट थ्री बी बाई टू और टू कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा ठीक है तो आंसर क्या आ गया ये देखो फोर टू चला गया ये हो गया फोर क्यू डिवाइडेड बाई रूट थ्री बी पाई एफ साइले नॉट ये हो गया हमारा एंसर ठीक है तो इसको आप नोट कर लो और ये फॉर्मूला जरूर लिख लेना इंपॉर्टेंट है ये इसीलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन को लिया है ठीक है तो इसको आप जरूर साथ में सॉल्व करते रहो अगला देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थियोरी कम न्यूमेरिकल है तो इसे जरा ध्यान से देखो और इसके अंदर कॉन्सेप्ट भी है क्वेश्चन है कि स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ इनर रेडियस आर वन एंड आउटर रेडियस आर टू हैज अ चार्ज क्यू यानी कि मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल है जिसके अंदर आपके पास इनर रेडियस अच्छा ठीक है इनर रेडियस का मतलब है कि हम एक ऐसा फिगर बना सकते हैं ठीक है एक इनर रेडियस हो जाएगा और एक आउटर रेडियस हो जाएगा ओके इनर रेडियस की वैल्यू हमारी आर वन है और आउटर की हमारी आर टू है इनर रेडियस ठीक है और इसके ऊपर जो चार्ज इसने दिया है ये क्यू है लिखा है कि चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट of ऑफ cell अच्छा अच्छा यानी सेंटर पे आपके पास एक चार्ज स्मॉल क्यू प्लेस है व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी देखिए याद है सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला जो टॉपिक हमने थियोरी में किया था इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ सेल और इस दिए लगते ये तो अगला पार्ट है पहले हम ये वाला कर लेते हैं तो स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन एक बार हम देखते हैं तो पूछा गया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी बताइए इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ सेल का तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पता है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेंसिटी लेमडा सिग्मा और रो लेमडा हो जाता है क्यू बाई एल नेट क्यू यानी टोटल क्यू q by s सिग्मा हो जाता है और q by v अब यहां पर देखो एरिया की बात है सरफेस की बात है तो यहां पर किसकी बात है सिग्मा तो सिग्मा का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया लेकिन उससे पहले इसके केस हम पढ़ लेते हैं तो अब जरा ध्यान दो कि सेंटर पे जो आपने चार्ज क्यू प्लेस किया है सेंटर पे वो क्या करेगा तो वो देखो एक तो ये माइनस क्यू क्योंकि आपको पता है इंडक्शन माइनस क्यू चार्ज तो अंदर ला दिया माइनस क्यू चार्ज और आउटर पे ये सरफेस पे क्या लिखेगा पॉजिटिव क्यू चार्ज ठीक है यानी कि यहाँ पे दो टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो गया सबसे पहले तो हम इनर अगर हम बात करें इनर सरफेस की तो इनर सरफेस में कौन सा चार्ज इंड्यूस हो गया इनर बोले तो अंदर वाला तो इनर सरफेस में माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया तो हमारा यहां का जो सिग्मा इनर होगा वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ज यानी माइनस क्यू डिडेड बाई स लेकिन इन्होंने साथ में चार्ज ऑन ये तो इनर हो गया यानी पहला आंसर हो गया ये इस पार्ट का इनर इज दिस लेकिन हमारा आउटर भी तो आउटर का एक रूल है देखिए जब भी हम बाहर की बात करेंगे तो टोटल जो चार्ज होते हैं वो जुड़ जाते हैं ठीक है थिके? तो सिग्मा आउटर की अगर हम बात किए दैट इज केस में तो सिग्मा आउटर हो जाएगा टोटल चार्ज टोटल चार्ज एक तो आपका क्यू है प्लस पॉजिटिव क्यू डिवाइडेड बाय फोर पाई आर टू तो होप आपको क्लियर होगा अच्छा क्वेश्चन है एडिशनल में है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए मैंने इसको इसे जरूर करके जाना है आपको अगला देखिए इसमें पार्टा इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड कैविटी विथ नो चार्ज जीरो इवन इफ दिस सेल इज नॉट स्फेरिकल बट हैज इेगुलर शेप अब मान लिया मेरे पास इन्होंने बोला है कि मान लिया ये इरेगुलर शेप का हो यानी कि ऐसा ना हो के अजीब से शेप का हो बट फिर भी कैविटी का मतलब एक एरिया जो किसी भी मटेरियल के अंदर है अब वो कैसा भी रेगुलर शेप है आपने याद होगा आपने गॉस थ्योरम पढ़ा गॉस थ्योरम ने बोला है कि किसी भी रेगुलर सर्फेस किसी भी सरफेस में क्लोज सरफेस में चाहे वो रेगुलर इेगुलर हो क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज होता है, वो क्या हो जाता है जीरो अब जब नेट चार्ज जीरो होगा तो ऑब्वियस सी बात है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा तो आंसर विल बी एज देयर इज नो चार्ज इंक्लूडेड इन अ सरफेस इंक्लूडेड देयर इज नो चार्ज इन इंक्लूडेड सरफेस एज पर गॉस थ्योरम तो चार्ज जीरो इसका मतलब फील्ड जीरो तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ होंगे ठीक है और प्लीज इसे सब्सक्राइब करो और कोई भी कमेंट कर जैसे आप वॉच तो कर रहे हो ठीक है बहुत अच्छा जिस जैसे ही हम इसे पब्लिश कर रहे हैं वॉच टाइम और वॉच के जो व्यूज है, वो हैं वो रहे हैं लेकिन प्लीज एंड प्लीज आप कमेंट भी करो लाइक भी करो आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा प्रॉब्लम कहाँ है और हम इसको और ज्यादा जैसे मान लीजिए आपको इस समय अर्जेंट नीड है कि सर मेरा वेव ऑप्टिक अभी लेट सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ वेव ऑप्टिक का मुझे थियरी इस समय करना है न्यूमेरिकल करना है तो अगर मेरे पास ज़्यादातर बच्चों के कमेंट्स आते हैं और उसमें से मैं देखता हूं कि मैक्सिमम कौन सा पहले मांग रहे हैं बच्चे तो मैं उसका थियरी और न्यूमेरिकल पहले कर दूंगा एनीवेज आपका एग्जाम से पहले पहले तक आई विल ट्राई टू कंप्लीट मोस्ट ऑफ दी चैप्टर विथ थियरी तो कनेक्टेड रहो और शेयर करो अपने दोस्तों को ठीक है Uh, मैं uh, अब अगले चैप्टर में मिलता हूँ अगला चैप्टर इलेक्ट करेंट इलेक्ट्रिसिटी है मे बी आज या मे बी कल ये पब्लिश हो जाएगा तो बाय बाय और कीप वॉचिंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और आपने ऐप डाउनलोड कर ही लिया होगा और uh, वेबसाइट भी लॉन्च होने वाली है एनीवेज आप वेबसाइट को आप लिख सकते हो और कल से मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड कर दूंगा जिस पे आप व्हाट्सएप एंट्री करोगे आई I मीन mean उसमें मुझे आप एक रिक्वेस्ट भेज दो आई विल एड यू टू व्हाट्सएप ग्रुप उसमें आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उस चैट में आप वहां पर चैट कर सकते हो या पिक आप डाउनलोड कर सकते हो यानी पिक का पिक लिया क्लिक किया और मेरे पास भेज दिया और आई विल ट्राई टू शॉर्ट इट आउट आपका जो प्रॉब्लम है मैं शॉर्ट आउट करूंगा तो कल अपडेट हो जाएगा फ़ोन नंबर जिसपे आप व्हाट्सएप का जो रिक्वेस्ट है वो आप भेज सकते हो तो थैंक यू हैव नाइस डे शेयर करना नहीं बोलो